ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में बातचीत होगी भारत के जम्मू कश्मीर में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से कि ये इलेक्शंस जम्मू कश्मीर को किस समत लेकर जाएंगे। भारत के जम्मू कश्मीर में रियासती इलेक्शंस 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेंगे। कश्मीरी अवाम में इन इलेक्शंस के लिए काफी जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, गालिबन को 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली का ये इलेक्शन हो रहा है। करीब 5 साल पहले आर्टिकल 370-35A को रिवोक किया गया था। उससे भी करीब कोई 4-5 साल पहले जब महबूबा मुफ्ती की और बीजेपी की जो कोलिशन सरकार थी वो ख़त्म हुई थी, तो ये कोई 9-10 साल का अरसा है जब से इलेक्शन नहीं हुए। तो नेचुरल है कि भारत में हर जगह इलेक्शन होते हैं। अभी भारत में फेडरल इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं, 2019 में भी हुए थे, 2024 में भी हुए थे, मगर वो चूंकि फेडरल लेवल के थे उसमें भी काफ़ी जोश जज्बा था, मगर ये चूंकि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शन है तो ये बराह रास्त अवाम के मसाइल और वसाइल के साथ दोनों के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है। जम्मू कश्मीर बदल गया है 2019 5 अगस्त की एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A के बाद बहुत बदल गया है, मगर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो बुनियादी तौर पर वही हैं, चाहे अब्दुल्ला फैमिली की पार्टियाँ हों, चाहे महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, चाहे ये सजाद लोन इनकी पार्टी हो, फिर नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी के लोग हैं, फिर बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड जम्मू के इलाकों में ज़्यादा है, तो सिचुएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है वहाँ पे। अब जैसा मैंने कहा, हालात बदल गए हैं, जो बड़ी पार्टियाँ हैं वो वही पुरानी हैं। अब उन पुरानी पार्टियों के क्या माइंडसेट बदले हैं या नहीं बदले, हमें जो यहाँ बैठ के कनाडा में नज़र आता है जब हम उनको बारीक बीनी से उनका मुतालिया करते हैं, तो पार्टियों के कुछ माइंडसेट बदले भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं बदले, उनको अंदाज़ा हो गया है कि 370-35A का वापस आना मुमकिन नहीं है। कहने को तो वो कहते हैं, शेख अब्दुल्ला की फैमिली के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका बेटा हो, उनका पोता हो, उमर फारूक हो या फारूक अब्दुल्ला हो या और उनकी जो लीडरशिप है, वो कहने को तो कहते हैं जी हम चाहते हैं कि 370 वापस आ जाए, मगर उनको अंदाज़ा है कि सेंटर की सरकार और सेंटर की ब्यूरोक्रेसी और लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हरगिज़ 370 को वापस आना देखना नहीं चाहते, तो इसलिए वो भी मेरा ख्याल है लगता यही है कि इस पे कंप्रोमाइज कर चुके हैं कि ठीक है। और ग्राउंड पॉलिटिकल रियलिटीज भी एवोल्यूट होती हैं, चेंज होती हैं। जी, वो भी चेंज होती हैं, मगर पार्टियां वही हैं, फिर वो पुरानी बातें भी करते हैं, नई बातें भी कर रहे हैं। पहले जो 10 साल पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो प्रो पार्टियां हैं वो भी काफ़ी प्रोमिनेंट होती थी। इस वक्त वो प्रो पार्टियां कोई प्रोमिनेंट नहीं है। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है अब्दुल्ला फैमिली की और महबूबा मुफ्ती की पार्टियां जो हैं, ये पहले ज़्यादा खेला करती थी कुछ पाकिस्तान की तरफ, कुछ हिंदुस्तान की तरफ, अगरचे ये अपने आप को प्रो भारत ही कहलवाती थी। अब ये ज़रा माइंड सेट के अतबार से इनको पता चल गया कि अभी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं और फिर पाकिस्तान के साथ अब कोई मिलने के इम्कानात भी नहीं रहे। पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा है, अब वहाँ की पॉलिटिकल क्राइसिस भी, जियोपॉलिटिक्स भी बदल गई, तो इस सारी सूरत हाल में वो अब इस बात पे तो रजामंद हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम भारत के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो माइंड सेट है इस वजह से बदला है। और भी जैसे सजाद लोन है या जो इस तरह के लोग जो थोड़े से मतलब प्रो सेपरेटिस्ट थोड़े से कभी हुआ करते थे, अब वो भी लगता है उनका माइंडसेट बदल गया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं, पार्टियाँ वही हैं, उनकी पॉलिटिक्स कुछ पुराने अंदाज की है, कुछ नए अंदाज की है। इन 9-10 सालों में कुछ नई पार्टियाँ भी वहाँ पे बनी, मगर वो पार्टियाँ अभी तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल नहीं बना सकी को बड़े लेवल पर, तो इसलिए वो सामने नहीं आ पा रही। तो आपका बुनियादी सवाल ये कि किस समत जो जाएंगे वो हम थोड़ा सा और आगे जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस जोश और जज्बा की जो बुनियादी वजह एक और भी है।
जो खास तौर पर कश्मीर वैली में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद है, वो बेचारे कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या वो अपने सेपरेटिस्ट आइडिया की तरफ रहेंगे या अब मैं आपसे यही सवाल करने वाली थी कि फिर इसकी सिमत का क्या किसी नई किसी पॉजिटिव नई सिमत का की तरफ जाने का प्रोसेस की तरफ जाने का इम्कान है या कि ये किसी वही घिसी पिटी एक वो लेके उसको लंबा करते जाना है। मेरा ख्याल है दोनों सूरतें नहीं है, ना तो अभी कोई घिसी पिटी समत वाली बात है और ना ही किसी नई प्रोग्रेसिव समत वाली बात है, इसलिए कि 9-10 सालों के ब्रेक के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं और जो इस्लामिक जेन की पार्टियां हैं पहले वो प्रो पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट होती थी, अब वो उतनी प्रो पाकिस्तान या सेपरेटिस्ट भी नहीं रही क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि भाई हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर क्या लेना है। इस सारी सूरत हाल में वो अब ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी है, खासतौर पर कश्मीर की वैली के जो पार्टियां हैं उनके और उनके कैंडिडेट्स, तो वो बस अब इस्लामिक कार्ड खेलेंगे, पाकिस्तानी कार्ड शायद कम खेलेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में फिर जो समत बनेगी, क्या ये कश्मीर को किसी नई समत लेकर चलेंगे? नहीं, अभी ये इलेक्शन 9-10 साल बाद हो रहे हैं, तो एक जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे, मिले जुले रिजल्ट्स आएंगे जो मुझे दिखता है, उन रिजल्ट्स के बाद फिर सेंटर के साथ इनकी क्या नेगोशिएशंस होती हैं, जो भी ये पार्टियां जीतेंगी, किस तरह की ये कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगी, उन सब बुनियादों पे फिर ये एक आरजी समत बनेगी। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक मुस्तकिल समत बनेगी, एक आरजी समत बनेगी और उस आरजी समत की जो बुनियाद होगी वो फिर आगे जाके किसी अगले इलेक्शन में कोई देर पा किस्म की बुनियादें फराहम करेंगे। सो आज का बिला तकल्लुफ शो मेरे और ताहिर गोरा के साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.